सोलन जिला के निर्मल ग्राम पंचायत नौणी देश भर में स्वच्छता के मामले में एक अलग पहचान बनाए हुए है और स्वच्छता के अनेकों इनाम पंचायत ने अपने नाम किए हैं। बावजूद इसके नौणी पंचायत सफाई व्यवस्था को बरकरार रखते हुए हर संभव कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पंचायत को साफ सुथरा रखने के लिए अब लोगों के घर द्वार ही कूड़ा उठाने के लिए पंचायत में जल्द ही ई रिक्शा चलाई जाएगी। जिला सोलन की निर्मल ग्राम पंचायत टोणी देवी देश भर में स्वच्छता के मामले में एक अलग पहचान बनाए हुए है और स्वच्छता के अनेकों इनाम पंचायत ने अपने नाम किए हैं। बावजूद इसके नौणी पंचायत सफाई व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पंचायत को साफ सुथरा रखने के लिए अब लोगों के घर द्वार से ही कूड़ा उठाने के लिए पंचायत में जल्द ही ई रिक्शा चलाया जाएगा, जिससे न तो किसी तरह का प्रदूषण होगा और पंचायत को साफ रखने में भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, पंचायत में एक गार्बेज मशीन स्थापित की जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों के घरों से निकलने वाला गीला कचरे के बाद खाद बनाई जा सकेगी और जिसको पंचायत के किसानों को दिया जाएगा और बाकी बची खाद को अन्य लोगों को बेचा जाएगा। पंचायत के इस तरह के कार्यों से न केवल सफाई व्यवस्था कायम रहेगी बल्कि खाद बेचकर पंचायत की आय भी बढ़ेगी। भी पंचायत प्रधान बलदेव ठाकुर ने बताया कि पंचायत में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही ई रिक्शा चलाया जाएगा, जिससे लोगों के घरों से कचरा इकट्ठा किया जाएगा और पंचायत में प्रदेश सरकार की ओर से एक गार्बेज मशीन भी लगाई जा रही है, जिसमें लोगों के घरों से निकलने वाले गीले कचरे से खाद बनाई जाएगी और जिसे पंचायत के किसानों को दिया जाएगा। साथ ही अन्य लोगों को भी इसे बेचा जाएगा। इससे न केवल पंचायत में सफाई व्यवस्था बरकरार रहेगी बल्कि पंचायत की आय भी बढ़ेगी। निर्मल ग्राम पंचायत नौणी मझगांव में जहां हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में स्वच्छता अभियान में काम किए हैं, वहीं अब इस पंचायत ने एक ई रिक्शा भी अब इस पंचायत ने ले ली है और वित्त आयोग से ये ई रिक्शा ली गई है। इस ई रिक्शा से जो हमारा 2 किलोमीटर में फैला हुआ नौणी पंचायत का शहर है, यहाँ डोर टू डोर जो कूड़ा कचरा प्रबंधन है वो किया जाएगा। साथ ही एक गार्बेज मशीन जो हमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई है, इस मशीन में जितना भी गीला कूड़ा है उसकी खाद बनाई जाएगी, ये भी हमारे पास है। और इसके लिए जो शेड निर्माण है ये भी हमने वित्त आयोग से यहाँ इसका निर्माण किया है। तो कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए की राशि विभिन्न मदों पर यहाँ वित्त आयोग के माध्यम से खर्च की गई है और बहुत जल्द ही इन ई रिक्शा और गार्बेज मशीन को शुरू कर दिया जाएगा और जनता को समर्पित करने के तुरंत बाद इसमें हम काम शुरू कर देंगे। इससे हमारी जो स्वच्छता अभियान है वो और सुदृढ़ीकरण इससे होगा। कार्यक्रम में भक्तों चलाए छोड़ से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।